जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए श्री गणेश भगवान, शारदे मैया, भोले बाबा और हनुमान जी के श्री चरणों में साष्टांग। मंच पर ठाकुर जी विराजमान है व्यासपीठ पर, तीनों लोगों के ठाकुर के श्री चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हैं। और हम सबके पूज्य महाराजश्री जो आपके हृदय में रहते हैं, समस्त सनातन जगत के भगत के हृदय में हमारे पूज्य महाराजश्री विराजते हैं,
साक्षात श्री हरि विष्णु स्वरूप में आप व्यासपीठ पर शोभायमान हैं, हम श्री चरणों में नमन करते हैं। देवाधिदेव आदिदेव महादेव भूत भवन भगवान भोलेनाथ बाबा विश्वनाथ के रूप में इस धराधाम पर विराजते हैं, श्री चरणों में नमन करते हैं। उपस्थित आप समस्त जनता जनार्दन, देवी तुल्य माताएं बहने, आप सबको सादर जैसे आराम करते हैं। हम सभी पूज्य महाराज श्री का दर्शन कर रहे हैं। मैंने पहले भी निवेदन किया कि आज संपूर्ण सनातन जगत हम सबके प्यारे दुलारे महाराज श्री के दर्शन के लिए लालायित रहता है और श्रद्धा के साथ भक्ति के साथ पूज्य सरकार का दर्शन करता है। और आपके द्वारा आपके मुखार बिंदु से अमृतमयी वाणी में भगवान की मंगलमयी कथा जो गाई जाती है उसे आज पूरा सनातन जगत श्रवण कर रहा है। परिणाम पूज्य सरकार संपूर्ण विश्व में भ्रमण करते हुए भगवान की मंगलमयी कथा का गान करते हैं और समस्त भगत भगवान की कथा को श्रवण करके जीवन को धन्य बनाते हैं। आज इसी क्रम में श्रवण जी, श्रवण मिश्र जी और प्रेम यादव जी के पावन संकल्प के परिणाम स्वरूप आपके इस धराधाम पर पूज्य महाराज श्री के मुखार बिंदु से भगवान की कथा गंगा का अवतरण होने जा रहा है। आप सभी इसमें गोता लगाएंगे, अवगाहन करेंगे। आज चूंकि मौसम प्रतिकूल होने के कारण कोलकाता से विमान वाराणसी के लिए विलंब से उड़ा, जिसके कारण थोड़ा विलंब हुआ। पूज्य महाराज श्री अब हम सब के बीच में हैं और जिस क्षण का हम सभी इंतजार कर रहे थे वो इंतजार की घड़ी समाप्त हुई। एक बार हम सब बोलेंगे जय श्री राम, जय जय श्री राम। और हम सब पूज्य महाराज श्री का दर्शन कर रहे हैं, श्री चरणों में बारंबार नमन करते हुए, ठाकुर जी के श्री चरणों में बारंबार नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अब आप सब भगवान की मंगलमयी कथा पूज्य महाराज श्री के अमृतमयी वाणी में आप श्रवण करें। जय जय श्री सीताराम। श्री राम, श्री राम, श्री राम, जय जय। थोड़ा बढ़ाइए बेस बहुत ज़्यादा। स्वस्ते श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरा। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु
शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धर सुनहु कथा करूंगा सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे श्री श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। लोकाभिरामम् रणरंग राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरम तम शिरा शरणं प्रपते श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपते सानंदमानं दवने वसन्तम् आनंदकंदम् हतपापवृन्दम् वाराणसी मनोजवं मारुत तुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मज वानरयोद्धमोक्षम् श्रीरामदूतम् शरणं प्रपदे श्री
Sita Ram 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 Ram
अनंतानंद भूतनाथ भगवान विश्वनाथ मां नपदास जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार वंदन। देवादि नव निर्मित भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के दिव्य भव्य बाबू श्रीमान श्रवण कुमार मिश्रा जी परिवार ठाकुर जी का पूजन किए। काशी के समस्त कथा के नेमी प्रेमी जन एयरपोर्ट पहुंच गए 8 बजे। तो हम तो सोच रहे थे कि अगर कहीं कैंसिल भाई क्या, हमने कहा भैया पीछे की किसी कथा के पहले दिन की कथा चला दीजिए, तो लहार की ग्राम कथा के पहले दिन की चली। लेकिन कल से हम यहां पर ठीक 12:40 पर उपस्थित रहेंगे। जिससे 20 मिनट में ये आरती पूजन हो जाए और जैसे 1 बजे कथा प्रारंभ हो जाए। क्यों 4 बजते कथवा कट जाएगी, लेकिन चैनल पे कट जाएगी, यहां नहीं कटेगी, यहां हम लोग कथा गाते रहेंगे। आज हम आपके साथ
एक डेढ़ घंटे राम कथा महिमा में उपस्थित रहेंगे। कथा प्रारंभ हो उससे पहले इस पांडाल में जितने आप कथा के श्रोता बंधु बैठे हैं, माताएं बहने, और पूरे विश्व में जितने सनातनी भाई बहन हैं, आप सबको भगवान के प्राण प्रतिष्ठा की बहुत बहुत बधाई हो। आई बहार हंसते हंसते अयोध्या में आया सांवल सरकार हंसते हंसते आई बहार हंसते हंसते आया सांवल सरकार रघुवर सरदार हंसते हंसते आया सांवल सरकार नाथ आया नाथों का नाथ आया करने सनाथ आया नाथों का नाथ आया करने सनाथ आया नाथों का नाथ आया करने सनाथ आया सृष्टि सुधार हंसते हंसते त्याग आया भक्तन अनुराग आया तपस्वी का त्याग आया भक्तन अनुराग आया हाँ तपस्वी का त्याग आया भक्तन अनुराग आया तपस्वी का त्याग आया भक्तन अनुराग और प्रेमिन का प्यार हंसते हंसते आया सांवल सरकार हंसते हंसते आई बहार हंसते हंसते आया सांवल सरकार हंसते हंसते किसी का भगवान आया बाबा का ध्यान आया किसी का भगवान आया बाबा का ध्यान आया किसी का भगवान आया शंकर का ध्यान आया किसी का भगवान आया शंकर का ध्यान आया वेदों का सार हंसते हंसते आया सांवल सरकार हंसते हंसते
और कौन आया? भरत जी का भाई आया, जनक का जमाई आया। भरत जी का भाई आया, जनक का जमाई आया। हाँ, भरत जी का भाई आया, जनक का जमाई आया। भरत जी का भाई आया, जनक का जमाई आया। मिथिला श्रृंगार हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते आई, बहार हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते। प्रगटे अवध में आके कौशल्या के लाल कहा के, प्रगटे अवध में आके कौशल्या के लाल कहा के। प्रगटे अवध में आके कौशल्या के लाल कहा के, प्रगटे अवध में आके कौशल्या के लाल कहा के। दशरथ कुमार हंसते हंसते के साकेत आया, परिकर को संग लाया। तज के साकेत आया, परिकर को संग लाया। तज के साकेत आया, परिकर को संग लाया। तज के साकेत आया, परिकर को संग लाया। फिर भई जय जयकार हंसते हंसते अयोध्या में कल आए। मैं सोच रहा था हम और आप कितने भाग्यशाली हैं, जिस दृश्य को देखने के लिए करोड़ों लोग यहां से विदा होकर चले गए और हम और आप उस दृश्य के कल साक्षी बने। अब इससे अधिक पुण्य जीवन में और कुछ नहीं हो सकता और भगवान की कृपा नहीं हो सकती त्रेता में तो केवल 14 वर्ष का भगवान का वनवास हुआ, कलिकाल में भगवान को 500 वर्षों का वनवास झेलना पड़ा। परंतु सनातनी है और अब ये संकल्प लेंगे कि अब दोबारा कभी भगवान का वनवास नहीं होने देंगे हम यहां पर। हम और आप काशी की धरती पर बैठे हैं, काशी नगरी के प्रधान देवता भगवान शंकर हैं और मैं आपको कहूं मानस के अनुसार भगवान शंकर और राम जी में बड़ा अद्भुत संबंध है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, शंकर जी कौन है राम जी के? पहला, सेवक स्वामी सखा सिय पी के,
हितनि रूपधि सब विधि तुलसी के। भगवान शंकर रघुनाथ जी के पहले सेवक हैं। क्या है? सेवक है, अर्थात शंकर जी राम जी को अपना स्वामी मानते, इसलिए भगवान शंकर दिन रात तुम पुनि राम राम दिन राति तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहु अनंग अराति सादर जपहु अनंग अराति मंगल भावना अमंगल हारे मंगल भावना अमंगल हारे उमा सहित जहि जपत पुरारे उमा सहित जहि जपत पुरारे उमा गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शंकर दिन रात राम 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 जपते हैं, और केवल अपने नहीं जपते, उमा सहित जही जपत पुरारे, मैया के साथ भगवान शंकर दिन रात भगवान श्री राम का नाम जपते हैं। ये प्रसंग कहता है सामने वाला हमें क्या समझ रहा है, ये सामने वाले को समझने दीजिए, आप अपने को क्या समझ रहे हैं इसका चिंतन सदैव करते रहिए। हम अपने को क्या समझते हैं? भगवान शंकर अपने आप को रघुनाथ जी का दास समझते हैं, दासो हम रघुनाथस्य है पहला संबंध, दूसरा स्वामी है। भगवान शंकर राम जी के स्वामी हैं, ये बात कौन समझता है? ये राम जी सोचते हैं। बड़ा अद्भुत संबंध है, शंकर जी राम जी को अपना स्वामी मानते हैं, राम जी भगवान शंकर को अपना स्वामी मानते हैं, इसलिए स्वामी मानते हैं अस्तु। इसीलिए रामेश्वरम में लिंग थाप विधिवत करे पूजा शिव समान प्रिय मोहिन दूजा, ये दो संबंध। और तीसरा बाबा कहते हैं कि भगवान शंकर रघुनाथ जी के सखा हैं। सखा कैसे हैं? रावण जैसे आताताई से पूरे विश्व को मुक्ति दिलानी थी तो वहां मित्रवत बैठकर दोनों ने मंत्रणा की और धरती से रावण को मुक्त किया। ये सेवक स्वामी सखा सीएपी के, तो भगवान शंकर की नगरी में हम और आप बैठे हैं और भगवान शंकर के स्वामी प्रभु श्री राम के मंदिर का कल मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा भई, तो काशी में इस वर्ष जो राम कथा आज से प्रारंभ हो रही है भैया, ये कथा पूर्ण रूप से अयोध्या में निर्मित भगवान श्री राम के मंदिर को भाव को समर्पित है। इसी भाव से यहां हम और आप गाएंगे और श्रवण करेंगे। हम और आप जिस ग्रंथ के आश्रय में बैठकर यहां कथा गाएंगे श्रवण करेंगे, उस ग्रंथ का नाम है श्री राम चरित मानस। क्या नाम है? पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज इसी कलिकाल में जहां हम और आप जन्म लिए हैं, कलिकाल में आकर लगभग आज से संबत 1631 और अभी 2080 चलत है तो कितना हो गया, 70 उधर पकड़ लीजिए, 1700 हो गया, 3 इधर 2000 में कहो 370 हाँ, और इधर कितना हो गया 24, कितना हो गया हो मर्जी, इतना तो घटा ले रहता लो तू लोग
370 और इधर 24 चल रहा है। 449 कैसे हो गया हो? हाँ बहुत सुंदर, 388 394 2024 में से 2080, अच्छा 80 है ना, हम अंग्रेजी घूम गए, 80 है, हाँ ठीक है, तो 370 उधर 80 इधर, कितना हो गई? 449। हाँ 49 449 449 साल हो गए, 450 मान लिया जाओ, मैं कौन बिगड़ जाता, 450 वर्ष पहले पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, संबत सो रह स इकतीसा करूं कथा हरि पद धरि सी। संबत 1631 में पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ये कथा प्रारंभ किया। प्रश्न उठता है साल में किस दिन, तो आगे कहते हैं, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावही तीरथ सकल नौमी भाम बारन मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, संबत 1631 में वेद भगवान जिस दिन भगवान श्री राम की जन्म की तिथि बताते हैं, अर्थात चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि। लेकिन यहां आपसे एक निवेदन करूं, यह तिथि प्रत्येक वर्ष आती है, परंतु प्रत्येक वर्ष रामनवमी मंगलवार को पड़ जाए यह आवश्यक नहीं होता है। किसी वर्ष बुधवार को भी पढ़ सकता है, किसी वर्ष रविवार को भी पढ़ता है, लेकिन संबत 1631 में उस वर्ष श्री रामनवमी मंगलवार को पड़ी थी। नवमी भौमवार मधुमासा। मानस के विद्वान कहते हैं कि जो जोग लगन ग्रह वार तिथि राम जी के जन्म के समय उपस्थित था, वो सारे के सारे जोग लग्न ग्रह वार तिथि संबत 1631 के रामनवमी के दिन उपस्थित था। और उसी समय जिस समय परमात्मा ने अवतार लिया, उसी समय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस की रचना प्रारंभ करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार श्री राम चरित मानस भगवान का अवतार है, वांगमय स्वरूप है ये ग्रंथ। मानस जी को किताब समझने का अपराध न करिएगा, श्री राम चरित मानस जी किताब नहीं है, श्री राम चरित मानस जी भगवान का वांगमय स्वरूप है, इसको रघुनाथ जी समझिएगा। घर में शालिग्राम भगवान रखे हैं, प्रातः काल स्नान करा के चरणामृत पान करते हैं, क्यों? जीवन धन्य होगा। तो चरणामृत पान करने से मुख से यदि जीवन धन्य होता है, तो रामचरित मानस जी का कथामृत कान पान करने से कान से ये मनुष्य का शरीर धन्य हो जाएगा, इसको सत्य समझिएगा। रघुनाथ जी प्रकट हुए तो उनसे चरणामृत प्रकट हुआ, कहो पर आप करुणा देखिए गोस्वामी जी का, भगवान का चरणामृत किसने पान किया?
कहिए केवट भैया, रघुनाथ जी अवतार लिए तो भगवान के पूरे जीवन में मानस के अनुसार उनका चरणामृत किसने पान किया? केवल एक व्यक्ति ने, केवट भैया ने। और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कृपा से संबत 1631 में जब श्री रामचरितमानस रूपी परमात्मा ने अवतार लिया तो भगवान के कथामृत को केवल एक व्यक्ति पान नहीं कर रहे हैं, काशी के पंडाल में बैठे हजारों लोग आज पान कर रहे हैं, युगों से पान करते आ रहे हैं। यही मानस जी की महिमा है, है? मानस को मानस में उतारने का स्वभाव बनाइए। मानस समझते हैं, मानस मने हाँ? मानस मने मन, मानस यानी मानस मन। गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम चरित मानस को जो अपने मानस में उतार लेगा उसके जीवन का उद्धार हो जाएगा। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं श्री राम चरित मानस मनुष्य के जीवन की आचार संहिता है। श्री राम चरित मानस मनुष्य के जीवन की आचार संहिता है। श्री रामचरितमानस मनुष्य के जीवन की विचार संहिता है। श्री रामचरितमानस मनुष्य के जीवन की व्यवहार संहिता है। और मानस जी को पढ़ के समझ के आचार विचार व्यवहार यदि सुधर गया तो याद रखिएगा यही हमारे जीवन के लिए भवपार संहिता है, यही पार कर देगी। और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, है? काशी की धरती है, मुक्त जन्म महिजान, ज्ञान खान अगहान कर जहां बस शंभु भवानी अस काशी से कसना। वो स्वामी जी कहते हैं देखिए पूरे धरती पर, पूरी धरती पर काशी को अलग माना गया है। ऐसा कहते हैं काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है। किसी भी काल में इस काशी नगरी का विनाश होने वाला नहीं है। क्यों? साक्षात महादेव यहां विराजमान होते हैं। काल का भी जो काल है वो महाकाल इस काशी नगरी में विराजते हैं, तो इस काशी का कौन नाश कर सकता है? हो ये मुक्त जन्म है। स्वामी जी किष्किंधा कांड में कहते हैं मुक्त जन्म महिजान ज्ञान खान अघान कर, ये मुक्ति प्रदान करने वाली धरती है, ज्ञानियों की धरती है, विद्वानों की धरती है, पाप का समूल नाश करने वाली धरती है। कौन सी धरती? जहां भगवान शंकर और मां भवानी विराजमान है, ऐसी काशी का सेवन क्यों नहीं करते हैं? काशी की सेवा करिए। काशी में भगवान शंकर मुक्ति देते हैं। कैसे देते हैं? कहते हैं करऊं जासु बल नाम विसोगी, कब काशी मरत जंतु अवलोकी। भगवान शंकर मां भवानी से कहते हैं देवी काशी में जब कोई जंतु, मनुष्य को छोड़िए जंतु, इस जंतु में मच्छर भी आ गया, कौवा भी आ गया है, कुकुर देव भी आ गए, गौ मैया नंदी छिपकली बिस्कुतिया तिलचट्टा, क्या नाम है उसको, कॉकरोच को क्या बोलते हैं, तिलचट्टे बोलते हैं ना, ठीक है। ये जितने जीव जंतु हैं काशी के धरती पर जिसका प्राण छूटता है, भगवान शंकर कहते हैं मैं उस जीव को मुक्त कर देता हूं, ये मेरा प्रण है। लेकिन आगे दर्शन करिए कैसे मुक्त करता हूं, ये विशेष बात है। बाबा कहते हैं मैं मुक्त तो करता हूं लेकिन अपने प्रभाव से नहीं करता हूं,
मैं रघुनाथ जी के नाम के प्रभाव से करता हूँ। मरने वाले जीव के कान में अपने भगवान राम का नाम बोलकर और उस जीव को आवागमन से मुक्त कर देता हूँ। ये जो भी मुक्ति है भगवान के नाम के प्रभाव से है, ये राम जी के नाम का प्रभाव है। राम ही जीवन के आधार है साहब, और ये बतिया जितना जल्दी समझ में आ जाए उतना जीवन में आनंद बढ़ जाएगा। समझ में तो आएगी, लेकिन किसी को समय के रहते आती है, किसी को समय बीतने के बाद आती है, है? अरे मन पछताइ है ओ सबीते, मन पछताइ अवसर बीते, मन पछताइ है अवसर बीते, दुर्लभ देहा पाई हरि पद भजो, दुर्लभ करम बचन अरुहिते, मन पछताइ है अवसर बीते, मन पछताइ है अवसर बीते। अब नाथ ही अनुराग जागो जड़, अब नाथ ही अनुराग जागो जड़, त्याग दुरासा जीते, त्याग दुरा बुझे न काम अग्नि तुलसी कहो, बुझे काम अग्नि तुलसी कहो, विषय भोग बहु घीते, मन पछताइ लभ देहा पाई हरि पद भजो, दुर्लभ देहा पाई हरि पद भजो, करम बचन अरुहिते, मन पछताइ पछताइ है अवसर बीते। जो बच्चा परीक्षा में फेल हो जाता है तो फेल होने के बाद सोचता है काश पढ़ ले रहती। जो भी फेल होता है ना तो फेल होने के बाद सोचता है काश पढ़ लिए होते। उसी प्रकार जो जीवन में कभी भजन नहीं करता उसे अंत समय पछतावा होता है, काश भज लिए होते हैं। इसलिए ये कथाएं प्रसंग बार बार निवेदन करते हैं। आप दर्शन करिए ना, हम और आप कितने सौभाग्यशाली हैं। 500 वर्षों से रघुनाथ जी अपने मंदिर की प्रतीक्षा कर रहे थे, और ये मंदिर आज तक बना क्यों नहीं? भगवान समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। क्या समय?
केंद्र में मोदी जी आ जाएं, अब प्रदेश में जब योगी जी आ जाएं, तब जाकर ये अवसर आएगा। आप दर्शन करिए, यदि वहां मोदी जी न होते और यहां योगी जी न होते तो क्या होता भगवान ने मालिक है? तो भगवान को अपना कार्य करना है, तो भगवान ने अपनी रचना बनाकर, व्यवस्था बनाकर अपने मंदिर का निर्माण करवा लिया। हम सनातनियों के लिए ये समय स्वर्ण युग के समान चल रहा है, इसको मानिएगा, ये स्वर्ण युग है सनातनियों के लिए। काशी के मंदिर का स्वरूप बदला, अयोध्या का बदला, विंध्याचल का बदला, महाकाल का बदला। अब देखिए आने वाले समय में कहां कहां के बदलत है, रघुनाथ जी जाने बाबा जाने। अरे फिर ना बनेगी, फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो मथुरा में। अरे फिर ना बनेगी, फिर ना बनेगी, इधर ज्ञान बापी उधर मथुरा, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, फिर ना बनेगी, फिर ना बनेगी, अब ना बनी मानव जन्म अमोलक पाया। मानव जन्म अमोलक पाया। मानव जन्म अमोलक पाया। मानव जन्म अमोलक पाया। समय रहते चेता जाए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ये मानस मानस में यदि प्रवेश कर जाए तो जनमानस का उद्धार हो कर सकता है। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरित मानस जी में 7 कांड लिखे, बालकांड, बालकांड के बाद श्री अयोध्या कांड, उसके पश्चात अरण्य कांड, श्री किष्किंधा कांड, श्री सुंदर कांड, 6ठा कांड है युद्ध कांड जिसे लंका कांड कहते हैं, और 7वां सोपान का नाम है श्री उत्तर कांड। 7 ही कांड क्यों लिखे? सप्ताह में 7 दिन होते हैं,
और रंग कितने होते हैं? सात। गोस्वामी जी कहते किसी भी रंग का जीव हो, गोरा हो, काला हो, सांवला हो, लाल हो, किसी भी रंग का जीव हो, वो धरती पर कहीं रहता हो, सात दिन में से किसी भी दिन चाहे मानस को पढ़ना प्रारंभ कर सकता है। मानस जी को पढ़ने के लिए मुहूर्त नहीं ढूंढना है, जब मन करे तभी प्रारंभ हो जाइए। कई लोग पूछते महाराज सवेरे पढ़े कि रात में पढ़े, नहा के पढ़े कि बिना नहाए पढ़े। रात में 12 बजे पढ़ सकते हैं, समोसा खाने के लिए नहीं पूछेंगे महाराज कब खाएं कि ना खाएं, लेकिन मानस जी को पढ़ना हो तो समय पूछेंगे। समय न पूछिए, जब मन करे, जब तरंग चढ़े तभी पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। जब पढ़िएगा आपका कल्याण ही कल्याण होगा। सात कांड में भगवान श्री राम के चरित्र को पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने समेटा। इस श्री राम चरित मानस जी में गोस्वामी जी कहते हैं राम चरित मानस सरोवर में चार घाट हैं और प्रत्येक घाट पर एक वक्ता है और एक श्रोता है। पहले घाट का नाम है शरणागति घाट। इस घाट के वक्ता है पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और श्रोता कहे तो गंगा मैया है, संत समाज है अथवा गोस्वामी जी का अपना निज मन है। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मात्र होती। पिछली बार जब पुरुषोत्तम मास में कथा चल रही थी संपूर्ण आनंद जी में, तो एक दिन हम दर्शन करने गए तो विनय बाबू थे, ये पानी के जहाज में बिठा के थोड़ा घुमाए गंगा जी में, तो तुलसी घाट पर पहुंचे हम लोग। तो बताएं महाराज वो जो खिड़की दिखाई दे रही है वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज वहीं बैठे रहते थे, गंगा जी को देखते रहते थे और लिखते रहते थे। तुलसी घाट मानस का पहला घाट है। काशी जी में 80 घाट ऐसा महापुरुष कहते हैं। इस घाट का नाम है शरणागति घाट। वक्ता है गोस्वामी तुलसीदास जी, श्रोता के रूप में गंगा जी हैं, संत समाज अथवा गोस्वामी जी का निज मन। मानस में शरणागति भाव की जितनी बातें हैं सभी बातें गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कही हैं। गोस्वामी जी कहते हैं मैं आपको वो कथा सुनाने ले चल रहा हूं जो तीर्थराज प्रयाग में श्री याज्ञवल्क ऋषि ने भरद्वाज जी को सुनाई। दूसरा घाट तीर्थराज प्रयाग, इस घाट का नाम है कर्म कांड घाट। कर्म प्रधान जितनी बातें हैं सब श्री याज्ञवल्क ऋषि ने कही। अच्छा आप बताइए वचन कर्म और मन में तीन है ना, कर्म वचन कर्म मन, इनमें से सबसे पहले कौन सा आता है? मन, दूसरा कर्म और तीसरा वचन। परंतु जब तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क ऋषि नहीं भरद्वाज जी राम जी से कहते तो पहले कर्म बोलते हैं। कर्म बचन मन छाड़ी चल जब लगी जनन तुम्हार, तब लगी सुख सपने हो नहीं किए कोटि उपचार। श्री भरद्वाज जी तीर्थराज प्रयाग में कह रहे हैं प्रभु कर्म से मन नहीं बोले, कर्म पहले बोले। क्यों? कर्मकांड घाट पर बैठे हैं। इस बात को समझिएगा, प्रेमी वक्ता से बैठ सामने बैठिएगा तो प्रेम की कथा सुनाएगा, बैरागी के सामने बैठिएगा तो विरक्त भाव की कथा सुनाएगा, ज्ञानी के सन्मुख बैठिएगा तो ज्ञान की कथा सुनाएगा। भरद्वाज जी कर्मकांड घाट पर बैठे हैं, राम जी से कहते प्रभु कर्म से, फिर वचन से और उसके बाद मन से। इन तीनों प्रकार से मनुष्य जब तक छल छोड़कर आपका नहीं हो जाएगा तब तक करोड़ों उपाय कर ले,
उसे सपने में भी सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। अब ये प्रसंग कहता है जीवन में सुख सामान से नहीं मिल सकता। आप ये भ्रम में ना रहिएगा कि करोड़ों का महल बना लेंगे तो सुखी हो जाएंगे। जीवन में सुख सामान से नहीं मिल सकता, जीवन में सुख स्वभाव से मिलता है। किस स्वभाव से? भगवान को आत्मनिवेदन यदि कर दिया जाए, आत्मसमर्पण कर दिया जाए, तो जीवन में दुख कभी लौट कर आने ही वाला नहीं है। मन से, वचन से, कर्म से छल समाप्त होकर भरत का दूसरा घाट। श्री याज्ञवल्क ऋषि भरद्वाज जी से कहते, मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो कथा कैलाश में बैठकर भगवान शंकर ने मां भवानी जी को सुनाई। अब तीसरे कथावाचक कौन? बाबा आ गए, भगवान विश्वनाथ। श्रोता है मां अन्नपूर्णा, भवानी मैया, पार्वती जी। स्थान क्या है? काशी नहीं है, स्थान कैलाश है। कैलाश के दिव्य शिखर पर बाबा मैया के साथ बैठे हैं। ये श्री रामचरितमानस का तीसरा घाट है और इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। क्या नाम है? ज्ञान की जितनी बातें हैं सब भगवान शंकर ने यहां मानस में बताई हैं। कौन सी बात बताई? एक चौपाई आपसे निवेदन करता हूं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर मां भवानी से कहते, देवी मैं आपको अपने अनुभव की बात बताता हूं। देखिए, बात तो बहुत लोग कहते हैं, लेकिन जो बात अनुभव से कही जाती है उस बात का सुनने वाले के जीवन में प्रभाव पड़ता है। घर के बड़े बुजुर्ग लोग कभी कभी कहते थे, बाबू है बाल ऐसे ही सफेद निखे भाई, है ये अनुभव से श्वेत हुआ है। बड़े बुजुर्ग लोग कहते थे, मैं अपने जीवन का अनुभव सुना रहा हूं। अर्थात जब कोई अपने जीवन का अनुभव सुना देता है और यदि आप उसकी बात मानकर स्वीकार कर लेंगे तो उस अनुभव को प्राप्त करने में अगले को जितना समय लगा रहता है उतना समय आप अपने जीवन का बचा लेते हैं केवल स्वीकार करके। तो अब जैसे मान लीजिए सड़क किधर है? वो सड़क किधर है? इधर, इधर सड़क है, मुख्य सड़क। बाबूजी कहें, बाबू सड़क पर जाके दाहिने जाओगे तब अस्सी घाट पहुंचोगे, ये मेरा अनुभव कहता है। अब लड़का कहना, बाबूजी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो सड़क पर जाके दाहिने न गया, चला गया बाएं, पहुंचा आजमगढ़, तब पता चली तो उल्टा गए हो। आजमगढ़ से फिर लौट कर आया, पूरा दिन गया आया, पूरा दिन बीत गया, पहुंचा कहां? जहां से प्रारंभ किया वहीं पहुंचा रहा। पिताजी की बात माना, कब माना? पूरा दिन गंवाने के बाद माना। और यदि पहले दिन मान लिया होता प्रारंभ में तो उसका आज का दिन बच जाता। ये कथा कहती है जब हम श्रेष्ठ की अनुभव की बात मान लेते हैं तो उतना समय हम अपने जीवन का अपने आप बचा लेते हैं, यही धर्म है। भगवान शंकर क्या अनुभव कहते हैं? सत हरि भजन जगत सब सपना। बाबा कहते, देवी भगवान का भजन ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। और यही ज्ञान है। ज्ञान क्या है? नित्य और अनित्य का बोध हो जाना ज्ञान है। क्या हमारे लिए नित्य है, क्या अनित्य है, ये जानकारी हो जाना ही ज्ञान है। बाबा ज्ञान घाट के वक्ता हैं। शंकर जी ने मां भवानी से कहा, देवी मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो नीलगिरी पर्वत पर श्री काक भुसुंडी जी महाराज ने पक्षीराज
गरुड़ जी महाराज को मुख्य श्रोता बनाकर सुनाई। ये मानस का चौथा घाट प्रवेश हुआ, नीलगिरी पर्वत, जहां वक्ता है श्री काकभुशुंडी जी और प्रधान श्रोता है पक्षियों के राजा श्री गरुण जी महाराज। चौथा घाट, और इस घाट का नाम है भक्ति घाट। क्या नाम है? भक्ति घाट। मानस में भक्ति की जो बात है वो काकभुशुंडी जी ने बताई। गरुण जी महाराज काकभुशुंडी जी से कहते हैं, काकभुशुंडी जी, आपको तो शंकर जी ने वरदान दिया है, आप कोई भी शरीर धारण कर सकते हैं, फिर आप कौवे के रूप में क्यों रहते हैं, आप मनुष्य बन जाते तो? काकभुशुंडी जी कहते हैं गरुण जी से, पक्षीराज, एहि तन राम भगति उर जानी, देहि ते मोहि परम प्रिय स्वामी। श्री काकभुशुंडी जी कहते हैं गरुण जी, इसी कौवे के शरीर ने मुझे रघुनाथ जी की भक्ति प्रदान कराई, और जिस शरीर से रघुनाथ जी की भक्ति प्राप्त हो गई है, मेरे लिए उस शरीर से प्रिय दूसरा कोई शरीर होने वाला नहीं है, इसलिए मैं सदैव कौवे के रूप में रहता हूं। ये भक्ति घाट है मानस का। ये मानस के चार घाट हैं, और पांचवा घाट महावीर बाजार का ही पंडाल आज से बना है, जहां बाबा ने वक्ता बनाकर राजन को बिठाया है और श्रोता बनाकर आप लोगों को बिठा दिया है। ये कौन सा घाट है? तो ये भाव घाट है। हम भाव से कथा सुनाने का प्रयास करेंगे, और ये भी आशा करेंगे आप उसी भाव से श्रवण करें। सभी वक्ताओं ने कथा से पहले कथा की महिमा गाई, मैंने अपने पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से जो महिमा सुनी आपको सुनाऊं। ये कथा, इसे श्रवण कर मिट जाती है कथा सौ जन्म जन्म की व्यथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, किसे श्रवण कर मिट जाती है, किसे श्रवण कर मिट जाती है कथा, श्रवण कर मिट जाती है कथा, श्रवण कर मिट जाती, सौ जन्म जन्म की व्यथा, कथा कलिका मद गाए, सुजन सजीवन मोर सुहाई, बुध बेशाम सकल जन रंजने, राम कथा कल कलुष विभंजने, बुध बेशाम सकल जन रंजने, राम कथा कल कलुष विभंजने, तेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए, श्री नारद कर जथा, हो जय जय राम कथा, श्रवण कर मिट जा,
जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती, सौ जन्म जन्म की व्यथा हो जाए। जिसे बोले महामोह महिषेश विशाला राम कथा कालिका कराला, महामोह महिषेश विशाला राम कथा कालिका कराला, राम कथा शशि किरण समाना सत चकोर करहि देहि पाना, राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करे पाना, पीकर तू भी अमर हो जाए, पीकर तू भी अमर हो जाए, गाकर तू भी अमर हो जाए, गाकर तू भी अमर हो जाए, श्री हनुमंत यथा श्रवण कर मिट जाती, सौ जन्म जन्म की व्यथा हो जाए, जय राम कथा जय श्री राम कथा जय राम कथा जय श्री राम कथा। बाबा माँ भवानी से बोले महिमा राम कथा कल बिटप कुठारे सादर सुनु गिरिराज कुमारे, राम कथा कल बिटप कुठारे सादर सुनु गिरिराज कुमारे, राम कथा सुंदर कर तारे संशय विहग उड़ाव निहारे, राम कथा सुंदर कर तारे संशय विहग उड़ाव निहारे, तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागे, माँ पार्वती कर जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम। सभी वक्ताओं ने अलग अलग महिमा बताई। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान की कथा कामधेनु है, जो कामना करिएगा कथा पूर्ण करेगी। सज्जनों के लिए भगवान की कथा संजीवनी बूटी के समान है। देखिए जीने को तो सब जी रहे हैं लेकिन इसे जीवन नहीं कहते हैं। पशु तीन काम करता है केवल, क्षमा करिएगा, जो पशु है वो केवल तीन काम करता है। क्या करता है? उदर भरने का प्रयास करता है, ठीक, विश्राम करता है, सोता है और विषय का सुख लेता है। बस तीन काम,
हम का कर रहे हैं, हम आगे कुछ कहेंगे नहीं। यदि हमारा भी इन्हीं से मैच कर रहा है तो हमको सोचना चाहिए उस पशु में और हमारे में क्या अंतर है। अंतर है, अंतर है, अंतर है ना, हम बतावे का अंतर है। खोपड़ी के ऊपर सिंह नहीं निकला है, अब पीछे पूंछ नहीं लटक रही है, बस इसके अलावा दूसरा कोई अंतर नहीं है। जिस मनुष्य के पास न विद्या है, न तप है, न दया है, न दान है, न धर्म है, वो मनुष्य इस पृथ्वी पर भार के समान है और पशु से भी गया गुजरा है। भगवान की कथा संजीवनी बूटी है। संजीवनी बूटी का अर्थात है जो पशुवत जी रहा है उसको उसके भीतर मानवता स्थापित करने के लिए भगवान की कथा संजीवनी बूटी के समान है। ये पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। याज्ञवल्क ऋषि बोले, मोह रूपी महिषासुर का वध करने के लिए भगवान की कथा काली मैया के समान है। रघुनाथ जी की कथा चंद्रमा के अमृत के समान है, जिसको संत रूपी चकोर निरंतर पान करते रहते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, देवी भगवान की कथा कुल्हाड़ी है। जैसे कुल्हाड़ी से वृक्ष काटे जाते हैं, उसी प्रकार भगवान की कथा रूपी कुल्हाड़ी जीवन से काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर रूपी वृक्ष को काट के समाप्त कर देगी। ये कथा की महिमा बाबा बताए। शंकर जी बोले, देवी भगवान की कथा हाथ की सुंदर ताली है। जैसे ताली बजाने से पक्षी उड़ जाते हैं, उसी प्रकार जो कथा की ताली बजाता रहेगा उसके जीवन से सारे संशय के पक्षी उड़ के चले जाएंगे। ये कथा की महिमा बाबा ने बताई। मानस के अनुसार मैं आपसे निवेदन करूं, यदि जीवन में दो वस्तु आप प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान के चरणों में प्रेम कौन कौन चाहता है? सब चाहते हैं ना? अच्छा ठीक है। भगवान के धाम की यात्रा कौन कौन चाहता है? अभी नहीं, बाद में जब समय आए उसके बाद। कई लोग डरे नहीं उठाते, महाराज कहीं आजमे नजर जाए। आपको बताऊं, भागवत जी में कथा आती है कि जब अपने भाई का नाम रहे हो धुंधुकारी ना, धुंधकारी, हमको भागवत जी का ज्ञान नहीं है इसलिए पूछ रहा हूं। धुंधकारी को गति देने के लिए, सदगति प्रदान कराने के लिए धुंधकारी प्रेत बन गए थे। सही बोल रहा हूं ना? प्रेत बन गए थे सरकार, वृक्ष पर बैठे थे प्रेत बन के वृक्ष पर। तो अपने भाई को सदगति प्रदान करने के लिए उनके भाई धुंधकारी के भाई गोकर्ण जी भागवत जी की कथा सुनाए। सामने बहुत सारे लोग भी बैठे थे। जब कथा पूरी हो गई तो दिव्य विमान आया। विमान आकर गोकर्ण जी के भाई धुंधकारी जी को लेकर भगवान के धाम चला गया। अब जितने श्रोता बैठे थे कहे, भाई कथा तो हम भी सुने, हमारे खातिर विमान क्यों नहीं आया? तो हुआ कि भाई आप बैठे तो थे लेकिन ध्यान से नहीं सुने। कोई बैठे बैठे सोच रहा था शाम के घरे का भोजन बनाई, बहुत ठंडा जड़वा था, कब महाराज बंद करी हैं। तो आप लोग सुने लेकिन ध्यान से नहीं सुने, इसलिए विमान नहीं आया। लोगों ने कहा हमको भी मुक्त पाना, मोक्ष पाना है। फिर से कथा भाई, फिर सबके लिए विमान आया, सब लोग बैठ के गए। क्षमा करिएगा, आज यदि कथावाचक कही दे पंडाल में पहले दिने कि देखिए आप लोग ध्यान से कथा सुनिए और मैं वचन देता हूं सातवें दिन कथा पूरी होगी, दिव्य लोक से विमान आएगा और आप सबको लेके चला जाएगा, पूरा पंडाल खाली हो जाए। लोग कहीं भाग गए। कहो, अच्छा कितने लोग बैठे रहेंगे बताओ?
इतने जब विमान आई तब पता चली। यहां दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं जीवन में दो वस्तु यदि आप चाहते हैं, राम चरण रति जो चाह अथवा पद निर्वाण। रघुनाथ जी के चरणों में यदि रति चाहते हैं प्रेम, अथवा परम गति चाहते हैं उपाय, भाव सहित सो यह कथा करौ श्रवण पुट पान। यदि आप और हम भाव के साथ बैठकर केवल और केवल भगवान श्री रघुनाथ जी की कथा को श्रवण करने का स्वभाव बना ले, तो इसी शरीर में हमको भगवान के चरणों के प्रति भक्ति रति प्राप्त हो जाएगी और कथा सुनते सुनते अंत में भगवान का परम पद भी प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। यही कथा की महिमा है कि कथा जीव को भगवत प्रेम और भगवत गति कहे तो भगवत दर्शन। देखिए मोक्ष का अर्थ जाने के बाद नहीं है, यही मोक्ष है। कई लोग जब कोई जीव चला जाता है तो घर वाले कहते फलाना पाने मुक्ति पा गई ले। मुक्ति कोई देखेगा, देखने गया क्या कि मरने के बाद मुक्ति हो रही कि क्या हो रही है? मरने के बाद केवल एक काम है तेरे ही। वो लड़का लायक रही तबे होई। मुक्ति जीते जी है, जो जीते जी मुक्त नहीं हो पाया है वो मरने के बाद कदापि मुक्ति प्राप्त करने वाला नहीं है। ये मुक्ति दिलाने का काम भगवान की कथा करती है। भगवत कथा सुनते सुनते प्रेम जागृत होता है, प्रेम जागृत हो जाएगा फिर जहां देखिएगा वहीं भगवान ही भगवान दिखाई पड़ेंगे। और याद रखिए सब में भगवान का दर्शन प्राप्त करना यही मुक्ति का प्रारंभिक लक्षण है। सब में भगवत दर्शन होने लगे, अरे जहां देखता हूं वहां तू ही तो है, कानों में हर दम बस तेरी गुफ्तगु है, जहां देखता हूं वहां तू ही तो। भगवत दर्शन प्राप्त करना हो, भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त करना हो, मुक्ति प्राप्त करनी हो, मोक्ष प्राप्त करना हो, परम पद प्राप्त करना हो, केवल और केवल एक उपाय है, भाव सहित भगवान की कथा को श्रवण करने का स्वभाव बने। हम भाव से यहां आपको सुनाने का प्रयास करेंगे और ये आशा करेंगे कि आप भाव से बैठकर श्रवण करें। आज हवाई जहाज की कृपा से थोड़ा विलंब हो गया जिसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। कथा का समय लाइव प्रसारण है 1 बजे से लेकर 4 बजे तक, तो घड़ी देखकर कथा गाने का स्वभाव नहीं है इसलिए लाइव में उसके बाद काट देंगे वो लोग 4 बजे के बाद। तो हम प्रयास करेंगे 12:40 12:45 तक यहाँ आ जाएं, जिससे 15-20 मिनट में श्री हनुमान चालीसा जी का पाठ आरती पूजन हो जाए और उसके बाद हम और आप कथा गंगा में प्रवेश करें। तो कल ठीक समय से आप 12:30 ही मान के रहिए, 12:30 बजे हम और आप मिलते हैं। कल भगवान शंकर और माँ भवानी के मंगलमयी विवाह की कथा हम और आप गाएंगे। काशी में बैठे बैठे कैलाश की यात्रा कल हम और आप करने वाले हैं, तो बाबा के विवाह में सबको आमंत्रण है, निमंत्रण है, न्योता है। कल हम और आप मिलते हैं, तब तक के लिए हरे रामा रामा राम सीता राम राम। Hare Rama Rama Rama
सभी लोग अपने दोनों हाथों पर उठाकर एक साथ बोलेंगे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ हनुमान राम लखन श्री जान के सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम। सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग, गणेश जी, माँ शारदे, भोले बाबा और हनुमान जी के श्री चरणों में नमन करते हैं। जिस प्रकार पूज्य सरकार के मुखारविंद से आज प्रथम सत्र में इस कथा को हम आप श्रवण कर रहे हैं, दूर दूर से आप कथा श्रवण करने के लिए पधारे हैं, ठीक उसी प्रकार हम सबके बीच में श्रीमान ज्ञान प्रकाश शुक्ल जी जो एडीजे हैं चंदौली से पधारे हैं। कृपया आप मंच पर आएं, ठाकुर जी का दर्शन करें और पूज्य महाराजश्री जो व्यास पीठ पर व्यास भगवान के रूप में श्री हरि विष्णु जी के रूप में शोभायमान हैं, पूज्य महाराजश्री का आशीर्वाद ग्रहण करें। प्रभुनाथ सिंह दाढ़ी जो भोजपुरी के प्रख्यात गायक और नायक, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, सांसद श्रीमान मनोज तिवारी जी के समस्त कार्यक्रमों के कर्ता धर्ता हैं श्रीमान प्रभुनाथ सिंह दाढ़ी जी, आप कृपया मंच पर ठाकुर जी का दर्शन करें, पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। और श्रीमान विनय तिवारी भैया आप आएँ, ठाकुर जी का दर्शन करें, महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। तो श्रीमान ज्ञान प्रकाश शुक्ल जी जो एडीजे हैं चंदौली से, श्रीमान प्रभुनाथ सिंह दाढ़ी, श्रीमान विनय तिवारी जी आप लोग कृपया मंच पे पधारें और ठाकुर जी का दर्शन करते हुए महाराज श्री का आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान अरविंद पांडे जी, श्रीमान अरविंद पांडे जी, श्रीमान राधेश्याम मिश्र जी, पूज्य पिताजी, पूज्य पिताजी श्रद्धे राधेश्याम मिश्र जी से आग्रह है कि आप ठाकुर जी का दर्शन करें। श्रीमान अरविंद पांडे जी, श्रीमान जगदीश नारायण जी, श्रीमान रवि प्रकाश मिश्र जी, श्रीमान अमरदीप पांडे जी, श्रीमान जितेंद्र पांडे जी कलकत्ता। धीरे धीरे आप लोग क्रम से व्यासपीठ पर उपस्थित होंगे, ठाकुर जी का दर्शन करेंगे और पूज्य सरकार से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। श्रीमान अरुण वरनवाल जी देवरिया, श्रीमान अशोक कुमार जी नालंदा बिहार से आप पधारे हैं, श्रीमान अनिल कुमार मिश्र बबलू, श्रीमान विपिन मिश्र जी, श्री प्रवीण मिश्र जी, कुलदीप राय जी बढ़लगंज, श्री अंकित पांडे जी, श्री आलोक तिवारी जी मिर्जापुर से आप पधारे हैं, श्री गौरव सिंह जी, श्री रजनीश सिंह जी, श्री प्रीतम तिवारी जी, श्री सौरभ बरनवाल जी, श्री निखिल द्विवेदी जी, श्री तन्मय मिश्र जी, दीपक तिवारी जी और मित्तल जी देवरिया। आप लोग क्रम से ठाकुर जी का दर्शन करें और पूज्य सरकार से आशीष ग्रहण करें। आज हम सब ने पूज्य सरकार के श्रीमुख से आपकी अमृतमयी वाणी
के द्वारा भगवान की मंगलमयी कथा के प्रथम सत्र का श्रवण हम सब ने किया और इस कथा गंगा के प्रथम सत्र में हम सब ने गोता लगाया है। ये हम सब का परम सौभाग्य है और आज से 9 दिवस तक पूज्य महाराज श्री के मुखार बिंदु से भगवान की मंगलमयी दिव्याति दिव्य अति पावन पुनीत कथा श्रवण करने का लाभ प्राप्त होगा, जीवन धन्य बनेगा, सौभाग्य फलित होगा, पुण्य जागृत होंगे। ये सब कुछ होगा पूज्य महाराज श्री के मुखार बिंदु से आपकी अमृतमयी वाणी के द्वारा भगवान की कथा श्रवण करने के पश्चात। श्रीमान श्रवण मिश्र जी, श्रीमान प्रेम यादव जी के पावन संकल्प के परिणाम स्वरूप उनके इष्ट मित्र बंधु बांधव परिवार सज्जनों के भाव के कारण, सबके स्नेह के कारण और आपके पावन संकल्प के कारण और पूज्य महाराज श्री का श्रवण मिश्रा जी और प्रेम यादव जी के प्रति अत्यंत स्नेह के कारण भगवान की ये कथा गंगा श्री काशी जी में प्रकट हुई है। आज प्रथम सत्र में हम लोग साक्षी रहे, आज कथा की महिमा को हम सब ने जाना, कथा महिमा को श्रवण किया और भगवान के एक अवतार का दर्शन किया। आज श्री रामचरित मानस जी अवतार, आज प्रथम दिवस के इस कथा में हम सब ने भगवान के एक अवतार श्री रामचरित मानस जी अवतार का दर्शन किया है। ऐसे तो हम लोग रोज ग्रंथ जी का दर्शन करते हैं लेकिन चूंकि आज महाराज श्री ने मानस जी के बारे में विधिवत व्याख्या करते हुए और ये दर्शन कराया कि श्री रामचरित मानस जी प्रभु के ही अवतार हैं, तो आज हम सब ने भगवान के एक नए अवतार के बारे में जाना, आप सब ने जाना पूज्य सरकार के मुखार बिंदु से, तो ये हमारा परम सौभाग्य है। और हमारा ये जन्म तो संवर ही रहा है, अगला जन्म भी संवर रहा है और जितने भी जन्म हम लेंगे ये सारे जन्म संवर रहे हैं पूज्य सरकार के मुखार बिंदु से भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण करके। आइए अब भगवान की श्री आरती का दर्शन करते हैं। पूज्य सरकार के साथ हम सभी जितने लोग उपस्थित हैं, जहां तक आवाज जा रही है, अगर कोई पंडाल के बाहर टहल रहा है आप भी आए पंडाल में और भगवान की श्री आरती का दर्शन करें। जय जय श्री सीताराम। आरती
हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नतेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वै साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नाग्रजातिकरवीलरसालपुष्पै विल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। सादर जय सियाराम। पूज्य महाराज जी द्वारा गाए गए सुंदर सुंदर भजनों की एवं श्री राम कथा की पेन ड्राइव बाहर लगे हमारे स्टॉल पर उपलब्ध हैं। जिन भी भक्तजनों को पेन ड्राइव लेना हो आप वहां संपर्क